20th ऑफ सितंबर, लॉन्ग वीकेंड है, 5:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के और हम लोग निकल चुके हैं। हमारा वैसे तो फाइनल डेस्टिनेशन सकलेशपुर है, तो हम लोग अभी नाइस रोड पे हैं और ये जो रास्ता है नेलमंगला होते हुए फिर ऑलमोस्ट हसन तक, आई थिंक NH 48 है, तो वो वाला रास्ता अच्छा भी है और कंफर्टेबली उसमें ट्रैवल किया जा सकता है। तो हम लोग अब नाइस रोड से उतर चुके हैं और NH 75 ये रास्ता था। एक्चुअली इस पे NH 48 भी लिखा हुआ है, मतलब हमारे मैप्स में, तो आई थिंक कहीं तो बाइफर्केशन होगा जिसके वजह से दोनों ही रास्ते टैग हैं। एनीवे, तो ये रास्ता जो है यूजुअली काफ़ी क्राउडेड रहता है। अभी भी आप देख रहे हैं अराउंड 6:20 हो रहा है और खूब गाड़ियां हैं, तो काफ़ी चलता फिरता रास्ता है। तो हम लोग अभी जो है नेलमंगला के पहले ही हैं मोस्टली, तो एक लेफ्ट है, हम लोग वहीं टर्न कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे लेफ्ट लेना है। आई थिंक सभी लोग लेफ्ट ही ले रहे हैं। तो कुनिगल के पहले हम लोग ने एक स्टॉप लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो उस जगह का नाम अप्पा जी मने करके हैं, तो वहाँ पे हम लोग ने डोसा लिया, ठीक था, और वॉशरूम भी ठीक था। बैंगलोर से सकलेशपुर के रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, पाकशाला, ध्रुव तरे, स्वाति डेलिकेसी। कई लोग वीकेंड में सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए भी ये रेस्टोरेंट्स आते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी एम्पायर दो लोकेशंस पे है इस रूट में, एक कुनिगल में है और दूसरा हसन के टोल गेट के पास। अगर आप अपने इटिनरी में सकलेशपुर के रूट में कोई जगह कवर करना चाहते हैं तो मैं श्रवण बेलगोला सजेस्ट करूँगी। सुबह 7 बजे से ये टेम्पल ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको 57 फीट टॉल लॉर्ड गोमटेश्वर का स्टैचू देखने को मिलेगा। ये दुनिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है। तो अभी हम लोग चन्नराया पटना क्रॉस कर चुके हैं, नियरली 1 hour 45 minutes हम लोग के होम स्टे तक है, तो रोड्स तो बहुत अच्छी हैं और इन जनरल वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ड्राइव में बहुत मज़ा आ रहा है। ज़रा ये देखिए तो बारिश भी चालू हो गई, क्या मस्त लग रहा है अभी।
हम लोग अभी हासन पहुंच चुके हैं, एक्चुअली आउटर रिंग रोड पे हैं। यहाँ रोड का कंडीशन काफ़ी ही ख़राब है, दोनों साइड के ट्रैफिक एक ही तरफ पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉट होल्स हैं, तो यहाँ पर प्लीज़ केयरफुली ड्राइव करिएगा। तो हमने मेन रोड से लेफ्ट ले लिया है शेट्टी हल्ली चर्च जाने के लिए। अभी भी एटलीस्ट 15 किलोमीटर्स तो है, ऐसे ही अंदर अंदर का रास्ता रहेगा मोस्ट लाइकली। बट मेन रोड का भी एटलीस्ट आप कह सकते हो 4-5 किलोमीटर जो था यहाँ टर्न करने से पहले, वो काफ़ी गंदा था, काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। ये जो आपको सामने पे दिख रहा है, ये है शेट्टी हल्ली रोजरी चर्च। इसके बारे में मैंने जो पढ़ा है उसमें ये बताया गया है कि ये 1860s में फ्रेंच मिशनरीज के द्वारा बनाया गया था, और जिस समय हेमावती डैम कुछ 1950s या 1960s में जब बना है, तब ये पूरा चर्च जो है वो सबमर्ज हो गया है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये थोड़ा फिर से राइज हो रहा है, तो हम लोग फिर वहाँ भी जाके आपको उसके भी नज़ारे दिखाएंगे। तो अब हम लोग एकदम ही नज़दीक आ गए शेट्टी हल्ली चर्च के। काफ़ी ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। वैसे पहले जैसे मैंने बताया था कि पहले तो ये सबमर्ज रहता था, तो इससे पहले हम लोग वहाँ पे एक जो ब्रिज आपको दिख रहा है वहाँ पे खड़े होके इसकी फ़ोटो ले रहे थे, और अब हम लोग एकदम पास आ गए हैं। ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है इसे गॉथिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, और इसमें जो है लंबे और पॉइंटेड टावर्स होते हैं, तो ये जो टावर्स हैं यही इसकी पहचान है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं शेट्टी हल्ली चर्च से। यहाँ से आगे का ट्रिप नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।